हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो आपका ल्यूकोप्लेकिया से रिलेटेड है, और ल्यूकोप्लेकिया कितने तरह के होते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं, और कौन सा ल्यूकोप्लेकिया कितना खतरनाक होता है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग समझते हैं कि जो ल्यूकोप्लेकिया है ये बीमारी होती क्यों है। तो ल्यूकोप्लेकिया, आप जैसे गुटखा च्यूइंग या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर स्मोकिंग या अल्कोहल और गुटखा च्यूइंग, इस तरह से अगर आपको मिक्स हैबिट है तो ल्यूकोप्लेकिया आपको हो सकता है। तो ल्यूकोप्लेकिया एक बार जब पेशेंट को होता है तो इसमें किस तरह से ये आगे प्रोग्रेस करता है बीमारी, इस पर भी बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को वाइट पैच है, तो हर वाइट पैच ल्यूकोप्लेकिया नहीं होता है, लेकिन अगर आप हैबिट एसोसिएटेड पर्सन हैं तो अगर आपको पैचेस बन रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ल्यूकोप्लेकिया वाइट पैच जो है ल्यूकोप्लेकिया होता है। बट इसके कुछ और भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को हाइपरप्लास्टिक लाइकेन प्लैनस हो सकता है, किसी पेशेंट को क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस हो सकता है। तो ये सारे एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, तो आप डॉक्टर से अपना सही से पहले इवेल्युएशन करवाएं कि आपको कौन सी बीमारी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ल्यूकोप्लेकिया के बारे में। तो ल्यूकोप्लेकिया जो है, अगर हैबिट एसोसिएटेड पर्सन है और उसमें ल्यूकोप्लेकिया हुआ है और उन्होंने अपना हैबिट कंटिन्यू किया हुआ है, तो इसमें क्या क्या चेंजेज आएंगे। तो इनिशियली एक पैच आपको टीनी डॉट्स मिलते हैं या थिन पैच दिखता है इनिशियली, जहाँ पे कि आप कह सकते हैं कि क्रोनिक इरिटेशनल चेंज जो है आपके बकल म्यूकोसा या फिर जिंजाइवा या जिसे हम लोग मसूढ़े कहते हैं, मसूढ़े के पास हो रहा है, या कुछ पेशेंट्स के तालू में भी ये डेवलप हो सकते हैं। तो जब ये थिन पैच बनता है उस टाइम पे यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट चेंज आता है म्यूकोसा में वो क्या है, तो वहाँ पे जो सिग्निफिकेंट जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जिस जो चेंज होता है उसे हम लोग कहते हैं माइल्ड डिस्प्लेजिया। यानी थिन पैच, यानी कि थिन और स्मूथ पैच है आपका, तो ये माइल्ड डिस्प्लेजिया को इंडिकेट करता है। और माइल्ड डिस्प्लेजिया जो है ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, और ये जो है बीमारी आपका ट्रीट हो सकता है मेडिसिन के द्वारा। और इसमें जो है आपको थोड़ा सा एक ही चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान रखने की, आपको हैबिट क्विट करना है, कंप्लीट क्विट। इसके बाद अगर आपने हैबिट को कंप्लीट क्विट नहीं किया है तो फिर इसको जो है आगे प्रोग्रेस होते रहेगा ये प्रॉब्लम। और यहाँ जो थिन ल्यूकोप्लेकिया था जो कि स्मूथ था आपका, वहाँ पे थोड़े से आपके जो फीसर्ड हो जाएंगे, ल्यूकोप्लेकिया में दरारें आ जाएंगी, तो ये जो फीसर्ड और थिकनेस भी इसके इंक्रीज हो जाएंगे। तो फीसर्ड और थिक ल्यूकोप्लेकिया, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन चेंज होगा तो माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में आपका जो है ये जो इपिथिलियल डिस्प्लेजिया जिसे हम कहते हैं कि कितने ज़्यादा सेल्स में बदलाव देखा गया, क्या वो लेयर 1/3 था या 1/3 से ज़्यादा था। तो जैसे ही आपका थिन से आपका थिक और फीसर्ड ल्यूकोप्लेकिया होगा तो ये माइल्ड से मॉडरेट के बीच में चला जाएगा ल्यूकोप्लेकिया। अब जब ये थिक और फीसर्ड हो गया तो यहाँ पे भी ल्यूकोप्लेकिया में जो है ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, और ये चेंजेस जो है कई बार मेडिसिन से क्योर हो जाते हैं। यानी मॉडरेट जो है वो बैकवर्ड की तरफ जाता है, यानी माइल्ड में धीरे धीरे वो क्योर होने लग जाता है ट्रीटमेंट के बाद और हैबिट छोड़ने के बाद। लेकिन अगर अभी भी आपने हैबिट नहीं क्विट किया तो ये जो थिक और फीसर्ड ल्यूकोप्लेकिया है ये वैरुसी फॉर्म ल्यूकोप्लेकिया में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और वैरुसी फॉर्म ल्यूकोप्लेकिया में जो है जो टेंडेंसी होती है वो आपका अत्यधिक मात्रा में आपके सेल्स जो है वो डिस्प्लास्टिक हो जाएंगे और थिकनेस जो है बढ़ जाएगा। तो ये थिकनेस जो बढ़ेगा उसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में एकेंथोसिस कहते हैं। और यहाँ पे देखना होगा कि कितने ज़्यादा लेयर इन्वॉल्व है, यानी माइल्ड मॉडरेट 1/3 है, 2/3 है, या 2/3 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको वैरुसी फॉर्म में 2/3 जो है एपिथीलियम उससे भी ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, मोर देन 2/3। तो यहाँ पे आपका जो धीरे धीरे सीवियरिटी है वो बढ़ रहा है। और वैरुसी फॉर्म ल्यूकोप्लेकिया में आपको जो है मेडिसिन से ये क्योर नहीं हो सकता है, इसमें आपको एक्सीजन के लिए जाना पड़ेगा। एक्सीजन से मेरा मतलब है कि आपको रिमूवल ऑफ ल्यूकोप्लेकिया, और कई बार इसमें जो है ग्राफ्ट वगैरह लगाना पड़ता है, तो ग्राफ्ट के लिए भी आपको आफ्टर रिमूवल ऑफ ल्यूकोप्लेकिया जो है सेम टाइम में आपको ग्राफ्ट भी लगाना पड़ सकता है।
तो वेलोसिफॉर्म ल्यूकोप्लेकिया जो है ये एडवांस होता है, यानी कि ये मॉडरेट से आगे का चीज है, यानी सीवियर आप कह सकते हैं, या पीवीएल इसको कहते हैं, प्रोलिफरेटिव वेरकस ल्यूकोप्लेकिया। तो इसमें आपको एक सीजन के लिए जाना है, और इसलिए जाना है क्योंकि ये अंदर की तरफ इन्वेड ना हो जाए, यानी कि जो आपका एपिथीलियम है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वो जो सेल्स के इतने ज़्यादा यहाँ पे जो सेल्स जो बढ़ रहे हैं वो इतना ज़्यादा लोड ना दे दे कि आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन टूट जाए और वो कार्सिनोमा में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो इससे बचने के लिए आपको एक सीजन के लिए जाना पड़ेगा, और तभी जाके इस बीमारी से आपको कंप्लीट क्योर हो सकते हैं आप। और ल्यूकोप्लेकिया में रिकरेंस काफ़ी होता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है क्योंकि इसमें फॉलो अप ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। रिकरेंस जो है ल्यूकोप्लेकिया में इसलिए होता है कि कुछ डिस्प्लास्टिक सेल्स अगर छूट जाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी तो वो फिर से रीग्रो कर जाते हैं और वाइट पैच बनाते हैं। तो इससे घबराना नहीं है, आपको इसमें फॉलो अप में रहने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।